हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रूबीज किचन में। और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ सालों साल तक चलने वाला कटहल का अचार। और इसे हम बिना उबाले बिल्कुल देसी तरीके से बनाएंगे, जैसे हमारे गांव में बनता है। इस रेसिपी को मैं 2 केजी कटहल के साथ बनाने वाली हूँ। सारे इंग्रेडिएंट्स जो भी मैंने यूज किए हैं तो 2 केजी के हिसाब से ही है। यहाँ पर मैंने 2 केजी कटहल को काट लिया है और इसका जो गूदा है इसे भी मैंने निकाल लिया है काट कर। और ये अंदर की तरफ होता है गूदा, और हल्का बहुत अगर गूदा है तो उसे हम ऐसे ही रहने देंगे। 2 केजी कटहल के लिए मैंने 500 ग्राम आम लिए हैं, और आम को भी मैंने अच्छे से धोकर काट लिया है। और इसे मैंने एक जाली वाले बर्तन में रख लिया है जिससे पानी इसका निकल जाएगा एक्स्ट्रा। धोने के बाद आम और कटहल को किसी कॉटन या प्लास्टिक शीट पर 2 घंटे के लिए धूप में रख देंगे। फैला कर अच्छे से आम और कटहल को मैंने 2 घंटे के लिए धूप में रख दिया था, और आप देख सकते हैं ये पहले से बहुत ही ज़्यादा सिकुड़ गए हैं। लेकिन इसके अंदर मॉइस्चराइजर है, ऊपर का सारा मॉइस्चराइजर ख़त्म हो चुका है। और ये मेरी पहले दिन की क्लिप है, तो अब 2 घंटे के बाद आप देख सकते हैं आम और कटहल को धूप में रखने के बाद आम और कटहल इस तरीके से हो गए हैं। तो इसमें अब हम हल्दी और नमक डालेंगे जिससे आम कटहल हमारे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। और साथ में यहीं पर मंगरेला यानी कि कलौंजी, आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसे, और यहाँ पर मैंने सौंफ लिया है 1 छोटी चम्मच। अजवाइन क्रश करके डालेंगे और इसे हम एक बार मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसमें मैंने 1 चम्मच कलर के लिए कश्मीरी मिर्च का यूज किया है। और मिक्स करने के बाद सबको अच्छे से इसे हम किसी कॉटन के कपड़े से कवर करके 1 घंटे के लिए वापस से धूप या पंखे के नीचे रख देंगे, जिससे ये गर्म होकर और काफ़ी अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाएगा फ्रेंड। और आप देख सकते हैं नमक डालते ही कटहल हमारे पहले से खिले खिले लग रहे हैं। तो मैं इसे अब छत पर रखने जा रही हूँ और 1 घंटे के बाद इसे हम देखेंगे। तो जब तक इसके लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 चम्मच मेथी दाना और 2 चम्मच जीरा और 1 चम्मच काली मिर्च, 3 बड़े चम्मच साबुत धनिया, साबुत लाल मिर्च मैंने यहाँ पर लिया है 6 से 7, और यहाँ पर सरसों लिया है मैंने 3 बड़े चम्मच, हींग सौंफ लिया है 2 चम्मच, और 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 2 चम्मच हल्दी है। और सरसों मेरे पास पीला वाला है तो मैं इसे ही यूज करूँगी। इस अचार को पीला या काला कोई से भी सरसों के साथ बनाया जा सकता है। और यहाँ पर अब इसे हम सरसों को हटाकर बाकी मसाले जो साबुत है उन्हें 2 मिनट के लिए हल्का सा भून लेंगे, जिससे इसका फ्लेवर अचार में बहुत ही अच्छा आएगा। जो सालों साल तक चलने वाले अचार होते हैं इनका बनाने का प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन बनाना इसे बहुत ही इजी है। और कटहल का अचार बनाने के लिए आप जितना आपको कच्चा कटहल मिल जाए आप उसी का बनाएं, बहुत ही अच्छा बनेगा फ्रेंड्स। और हमारे यहाँ बिल्कुल कच्चा या जो बिल्कुल उसमें बीज नहीं होते वो कटहल नहीं मिल रहे थे। थोड़े बहुत इसमें बीज थे लेकिन ये हार्ड नहीं थे, चल जाएगा इतना। तो मसाले हमारे भून गए हैं और इसे मैंने नॉर्मल टेम्परेचर पे कर लिया है। और इसे अब हम दरदरा पीसेंगे, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे। अचार हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बनाकर एक बार में रख दिया जाता है और 3 से 4 साल तक आराम से खाया जाता है। या ये कहें कि जिनके यहाँ बड़ी फैमिली है उनके यहाँ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बनाया जाता है। और यहाँ पर मैंने कश्मीरी मिर्च और हींग को डाल दिया है, और यहाँ पर हल्दी लिया है मैंने जो कि 2 चम्मच है, और पहले भी हम आम और कटहल में मैरिनेट कर चुके 1 चम्मच हल्दी, और नमक 2 चम्मच काला और 2 चम्मच सफ़ेद, दोनों ही नमक का यूज किया है। और आमचूर से अचार हमारा काफ़ी अच्छा बनेगा और ये काफ़ी सालों तक प्रिजर्व करके रखेगा अचार को। और लास्ट में सरसों को भी दरदरा पीस लेंगे। तो सरसों को मैंने गर्म नहीं किया, इसे धूप में ही 1 घंटे के लिए अच्छे से साफ करके रख दिया था, और धूप दिखाने के बाद ये बहुत ही अच्छे से दरदरा पीस चुका है। तो अब सभी मसालों को हम एक साथ मिक्स कर लेंगे। और इस कटहल के अचार में आम हम इसीलिए डालते हैं ताकि अचार हमारा प्रिजर्व रहे या काफ़ी सालों तक खराब नहीं हो। और आप चाहें तो आम को कद्दूकस करके या बारीक बारीक कट करके भी अचार में यूज कर सकते हैं, लेकिन कद्दूकस या बारीक कटने के बाद उसे धूप जरूर दिखा लें, उसके बाद ही इसमें यूज करें। और यहाँ पर सभी मसाले मिक्स हो गए हैं। तो अब इसमें हम साबुत कलौंजी और मेथी 1/2 छोटी चम्मच, सौंफ और अजवाइन लिया है 1 बड़ा चम्मच, और इसे भी हम मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे हमारे अचार का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा।
अचार का मसाला हमारा रेडी हो चुका है और इस मसाले से आप आम का अचार भी बना सकते हैं, और या आप पहले से बनाकर रख ले और जब आपको अचार बनाना हो तो उसमें आप इस मसाले को यूज कर सकते हैं। और एक घंटा हो चुका है और एक घंटे के बाद देख लेते हैं अपने आम और कटहल को। और अब एक घंटे के बाद देख सकते हैं जैसे हमने स्टार्टिंग में कटहल और आम को देखा था सेम उसी तरीके से ये बिल्कुल खिले खिले और सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब थोड़ा थोड़ा मसाले डालते जाएंगे और ऊपर से हम तेल इसमें डालेंगे। तो तेल इसमें मैंने गर्म नहीं किया है, हमारे यहाँ जो लंबे समय तक के लिए रखा जाता है अचार उसमें गर्म करके तेल नहीं यूज किया जाता है, कच्चा ही यूज करते हैं। और तेल बहुत ही अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, या अगर आपके पास कहीं एरिया में मिल हो यानी कि जहाँ पर सरसों तेल मिलता हो तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, या आप कच्ची खानी का भी यूज कर सकते हैं इस अचार को बनाने के लिए। उससे हमारा अचार बहुत ही अच्छा बनता है। और लास्ट में मैंने सारा तेल डाल दिया है, तो टोटल ये 250 ml अचार में मैंने तेल यूज कर दिया है मिक्स करते टाइम। तो हमारा फर्स्ट डे का ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है। पहले इसे धोया, फिर धूप में रख दिया, फिर मसाला हमने मिक्स करने के बाद हल्दी नमक वापस एक घंटा रखा, और ये हमारा फर्स्ट डे का लास्ट स्टेप मसालों को मिक्स करने के बाद रख दिया है। और इसे मैं अब कवर करके 2 दिन तक धूप में रखूंगी, और इसी में मैं बीच बीच में मिक्स भी करती रहूंगी, क्योंकि हम जब जार में रख देते हैं तो अच्छे से मिक्स नहीं कर पाते हैं। और जब खुले बर्तन में हम इस तरीके से रखते हैं तो इस तरीके से बीच बीच में हम मसाले को ऊपर नीचे करते रहते हैं, और जार में रखने के बाद ये हम नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट का थर्ड डे है, और 2 दिन धूप में रखने के बाद आप देख सकते हैं मसालों ने कलर चेंज कर लिया है। और यहाँ पर मैंने एक जार लिया है और जार में इसे भर दूंगी। तो जार मैंने अच्छे से धोने के बाद धूप में सुखा लिया है, और जार छोटा है तो मैंने 2 जार का यूज किया है। और अगर आपके पास बड़ी जार है तो आप एक ही जार में इसे रख लें। अचार अगर आपको लंबे समय तक के लिए स्टोर करके रखना है तो फिर आप इसे चीनी मिट्टी या कांच के जार में ही रखें। और दोनों जार को मैंने अच्छे से भर लिया है, और ऊपर से मैंने 1/2 कप सरसों तेल दोनों जार में डाल दिया है मैंने। और अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो आप इसे गैलरी में भी रख सकते हैं, हल्की फुल्की धूप में भी। और इसे कॉटन के कपड़े से कवर करके, या जब आप इसे ढक्कन लगाए तो ढक्कन को हमें बहुत ही हल्का सा ऊपर से बस कवर करना है, बिल्कुल टाइट आप कवर नहीं करें। और इसे 6 दिन ऐसे ही रहने दें धूप में, और धूप में 6 दिन के बाद आप देख सकते हैं अचार हमारा। तो अब इसे हम कवर कर देंगे, और कवर करके इसे 2 से 3 दिन तक और अच्छे से पका लेंगे, फिर हमारा अचार खाने लायक हो जाएगा। और ये हमारा पिछले साल का अचार है जिसे मैंने 5 kg कटहल और 1 kg आम के साथ लगाया था, और ये अभी तक चल रहा है, ये खराब नहीं हुआ आप देख सकते हैं। और हमारे यहाँ जब अचार पुराने हो जाते हैं तो इनका कलर कुछ इस तरीके से आ जाता है फ्रेंड्स। तो आप इस अचार को भी इसी तरीके से बनाकर और 1 से 2 साल तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, खराब नहीं होगा। बस जब बनाएं आप इसे तो हाथ और जिस बर्तन को आप यूज कर रहे हैं बनाने में वो बिल्कुल ड्राई और क्लीन होना चाहिए, तो ये सालों साल तक खराब नहीं होता है। और इस अचार को बनाने के लिए मैंने विनेगर का यूज नहीं किया है, क्योंकि आम और आमचूर का यूज किया है मैंने इसमें, जो अचार को प्रिजर्व करके रखेगा। सो फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी और अचार बनाने का तरीका आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, और चैनल पे अगर आप नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपना कीमती समय हमारी वीडियो और चैनल को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।